विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के राजनेता मध्य प्रदेश के दौरे में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भिंड पहुंची, जहां उन्होंने प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल प्रबुद्ध जन सम्मेलन में सम्मिलित होने भिंड पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जहां उन्होंने एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से लेकर कांग्रेस नेताओं पर तीखा प्रहार किया और प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यों की तारीफ। देखिए भिंड क्षेत्र में हूँ और यहाँ की बहुत ही जुझारू सांसद हमारे साथ है, बहन संध्या जी, हमारे जिला अध्यक्ष देवेंद्र जी भी और आज आने का संजय सिंह जी भी जो यहाँ के विधायक हैं। तो यहाँ आने का एक ही मकसद था, वो यही था कि मध्य प्रदेश की जनता से जो जो वायदे हमने किए थे उन चुनावी वायदों को केवल चुनावी वायदा नहीं छोड़ा, बल्कि हर एक वायदे को पूरा करने का काम हम लोगों ने किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं को लगातार जिस ईमानदारी के साथ मध्य प्रदेश में लागू किया गया वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। मैडम, आपके यहाँ सांसदों के मैदान में उतारा जा रहा है, विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, भाजपा डरी हुई है या फिर ये तो व्यवस्था है जी, व्यवस्था में, संगठन में, सरकार में, केंद्र सरकार में ये आपसी बदलाव होता रहता है और ये इसलिए होता है कि हमारे पास हर एक स्थान पर एक से ज्यादा लोग जो है वो काबिल है और हर एक को मौका मिलना चाहिए। वो तो चक्र है, आज संगठन, कल सरकार, परसों राज्य, ये सब तो चलता रहता है। बहरहाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के केंद्रीय नेताओं का मध्य प्रदेश में लगातार दौरा करना कितना कारगर सिद्ध होता है यह तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भिंड।